वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। जैसा कि आपको इन्फॉर्म है कि आपने DSSB के लिए एक मॉक टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है जो कि PRT, TGD और PGT के फर्स्ट पेपर को कवर करेगा, और PRT के सेकंड पेपर के लिए अपने एक जो साइकोलॉजी पैडा हो गया था उसके लिए भी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज का हमारा सेशन है स्टूडेंट हिंदी का मॉक टेस्ट। ये हिंदी का मॉक टेस्ट फोर्थ टेस्ट है। इससे पहले अपने 3 हिंदी के मॉक टेस्ट कर चुके हैं और मैथ के 5 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, इंग्लिश के 3 कर चुके हैं, जीके के 4 कर चुके हैं और साइकोलॉजी के 6 कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लिए। प्रत्येक मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर जिसने महाभारत देखी है तो उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से मुहावरा आता होगा कि जिस प्रकार जब द्रौपदी का चीर हर हो रहा था, तो जब दुशासन द्वारा उसके वस्त्र को खींचा जा रहा था और वस्त्र बढ़ रहे थे, घटने की बजाय बढ़ रहे थे, तो क्योंकि वो एक कृष्ण का चमत्कार था, उसी प्रकार द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ है कि तब वस्त्र कम नहीं हुए थे, समाप्त नहीं हुए थे। तो आज भी मुहावरे का वही अर्थ है, ऐसी वस्तु जो कभी समाप्त ना हो। और दुशासन जब द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था तो वस्त्र घटने की बजाय बढ़ रहे थे, इट मीन्स कभी समाप्त नहीं हो रहे थे। तो ऐसी वस्तु जो कभी समाप्त ना हो, तो द्रौपदी का चीर होना ये किसका मुहावरे का अर्थ क्या हुआ कि ऐसी वस्तु जो कभी समाप्त ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है कि किस कर्मांक में मधु प्लस आचार्य की संधि है। तो इससे पहले अपने एक संधि सीख लेते हैं, क्योंकि हर वीडियो में अपने कोई ना कोई संधि सीखते हैं। तो इस वीडियो में अपने यन संधि सीखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यन संधि आपको पता है कि ये दीर्घ संधि का पार्ट है। दीर्घ संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, ठीक है, उसके बाद अपने पढ़ते हैं व्यंजन संधि, फिर पढ़ते हैं विसर्ग संधि। तो ये स्वर संधि का एक पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट, यन संधि। ठीक है, अब ये यन संधि में होता क्या है, कहता है कि यदि ई व ई, छोटी ई व बड़ी ई के बाद यदि कोई भी स्वर आए, स्वर अपने को पता है कि 11 होते हैं, लेकिन ई व ई के बाद कोई भी स्वर आए, लेकिन ई व ई नहीं आना चाहिए था, ई व ई नहीं आना चाहिए, बाकी 9 स्वर कोई मर्जी आए, तो यदि ई व ई के साथ यदि बाकी जो रहेगा 9 स्वर कोई भी आए तो उनके साथ क्या रहता है, तो यह बन जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसे अति प्लस आचार का, अब मैंने अति को तोड़ा है तो ए, फिर तय क्या आ गया, हलंत वाला आ गया छोटा, और ई की मात्रा आ गई, यहाँ से आ निकाला। तो उसने कहा था यदि ई के साथ या छोटी ई के साथ या बड़ी के साथ कोई भी स्वर आए तो इसका क्या हो जाता है, यह हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, आ है, तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, तो क्या बन गया, अत्याचार, क्योंकि यहाँ तो आधा तय रह गया, आधा तय ये रहा। ठीक है, और ई व आ का क्या होगा, या बन गया, चार आ गया, तो क्या बन गया, अत्याचार। उसी प्रकार अध्यक्ष को यदि मैं तोड़ूं, अध्यक्ष का संधि विच्छेद करूं, तो मुझे पता है कि ए फिर धय आधा, और यह को तोड़ूं, यह किस में टूटेगा, ई व ए में तोड़ूंगा, तो इसको जोड़ा तो क्या बनेगा, अधि, और ये क्या बन गया, अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष। ठीक है, उसी प्रकार एक यह का होता है, उसी प्रकार एक वह का होता है। यह में क्या होता है, ई व ई के बाद यदि कोई भी स्वर आए, मतलब ई और ई को छोड़कर, तो क्या बन जाता है, यह बन जाता है। उसी प्रकार ऊ व ऊ के साथ यदि कोई भी स्वर आए, जो 9 स्वर रह गए, तो क्या हो जाता है, वह बन जाता है। तो देखिए अनु प्लस अय, ठीक है, अब मैंने अ को तोड़ा, अब मैंने न को तोड़ा, तो न में क्या निकला, एक न और एक ऊ। ठीक है, यहाँ से ए था, उसने क्या था, ऊ व ऊ के साथ कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है, वह। तो उसको मैंने इसी प्रकार तोड़ा तो क्या हो गया, वह बन गया। तो यहाँ नया आधा था, क्या हो गया, अनवय। उसी प्रकार अनु अनु प्लस इक्षण टूटा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, सेकंड, किस कर्मांक में मधु प्लस आचार्य की संधि है। तो मैंने यहाँ पे एक बात आपको बताई, यदि कोई भी, यहाँ से देखिए, यहाँ से तय टूटा तो तय आधा आ गया। ठीक है, ठीक है, हमेशा एक और पहचान बताता हूँ, हमेशा यह के, हमेशा यह और वह, आपको पता है कि यन संधि में यह और वह होते हैं, तो कभी भी संधि विच्छेद करना हो कि अपने को पहचान निकालनी है कि यार ये यन संधि का उदाहरण है, तो हमेशा या के पहले आधा अक्षर आएगा और वह के पहले भी हमेशा क्या आएगा, आधा अक्षर आए, तो वो यन संधि का एग्जाम्पल होता है 99%। क्या होता है, यदि यह के पहले कोई आधा अक्षर आए और वह के पहले कोई आधा अक्षर आए, तो हमेशा 99% वो किसका एग्जाम्पल होता है, यण संधि का एग्जाम्पल होता है। उसी प्रकार देखिए मधु प्लस आचार्य,
तो देखने से स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट कि किसी में भी आधा धैर्य नहीं है, एक को छोड़कर, किसमें, माध्वाचार्य में। आप फिर भी इसको तोड़ सकते हो, यदि मैं लिखता हूँ, ठीक है, फिर धैर्य मैंने आधा लिखा, ठीक, फिर मैंने ऊ लिखा, फिर आ लिखा। आपको पता है कि ऊ व आ मिलकर क्या बनाते हैं, वा बनाएंगे, क्योंकि ऊ और ये ऊ और एम क्या मिल गए, वे बनाएंगे, और ये आ साथ में लगेगा तो क्या बन जाएगा, मधु मध्वाचार्य। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो आपको प्रत्यय की पहचान होनी चाहिए। तो कई स्टूडेंट क्या लिखते हैं, डायरेक्ट ही क्या लिखते हैं, आनी। भाई अगर प्रत्यय और उपसर्ग तोड़ते हैं तो प्रत्यय और उपसर्ग को ऐसे तोड़ा जाता है कि उसमें मूल शब्द निकले। जब तक मूल शब्द कोई अच्छा नहीं निकलता जिसका अर्थ हो, तब तक वो प्रत्यय गलत होता है। ठीक है, अब मैं अगर, कई बच्चे क्या लिखते हैं, सावध प्लस आनी लिखाते हैं। ठीक, आनी तो आपने प्रत्यय लगा दिया, लेकिन भाई सावध का कोई भी अर्थ होना चाहिए। जब तक अर्थ ना निकले तब तक वो प्रत्यय और उपसर्ग गलत होते हैं। ठीक है, कई बच्चे धानी लगा देते हैं, तो भाई साव का क्या अर्थ होगा, साव का कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार अपना इसमें प्रत्यय क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ ऑप्शन हमारा प्रत्यय होगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, आपने देखा होगा सावधान, सावधान अपना एक अच्छा वर्ड होता है। आपने कहते हैं ना कि आप सावधान रहिए, ठीक है, आपने सावधान इंडिया भी देखा होगा तो वहाँ सावधान लिखा था, सावधान एक शुद्ध शब्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है तन मन धन में कौन सा समास है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले द्विगु समास तो कहाँ लगता है, जहाँ संख्यावाचक हो, जैसे सप्तसती हो गया, चौराहा हो गया, पंचवटी हो गया, जहाँ संख्या शब्द आए, पंचवटी का, पांचवटियों का समूह, सप्तसती शोशतों का, सरशतकों का समूह, ठीक है, तो चौराहा चार रास्तों का समूह है, तो जहाँ संख्यावाचक है वहाँ तो द्विगु आता है, लेकिन इसमें तो कोई संख्यावाचक है नहीं, इट मीन्स पहला ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कर्मधारय की बात करूँ तो कर्मधारय में तो कभी ऐसा वर्ड देखा ही नहीं, उसमें क्या होता है, के समान या रूपी लगता है, जैसे क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ठीक है, रूपी या के समान, ठीक है, तो चंद्रशेखर, शेखर के समान, ठीक है, ऐसे के समान या रूपी शब्द लगते हैं, तो ये भी कट गया। ठीक है, अव्यय विभाग कभी नहीं होगा, अव्यय विभाग में तो आपको पता होना चाहिए कि शब्द ही कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए नी ऊ, तो इससे स्टार्ट होते हैं प्रति, ठीक है, स, तो ये भी नहीं होगा। द्वंद्व समास का आपको पता होना चाहिए कि द्वंद्व समास में और शब्द का प्रयुक्त होता है, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, काला और गोरा, ठीक है, माता पिता, माता और पिता, उसी प्रकार तन मन धन में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तन मन धन में द्वंद्व समास तो है, लेकिन इसका समास विग्रह है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका समास विग्रह है क्या होगा। तो सबसे इंतजार करूँगा कि सबसे पहले आंसर कौन देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि योगरूढ़ शब्द कौन सा है, तो मैंने आपको जब दूसरा आपको मॉक टेस्ट समझा रहा था तो उसमें योगरूढ़ के बारे में बताया था कि तीन प्रकार के शब्द होते हैं, एक रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है, और एक यौगिक योगरूढ़ होता है। पहला कौन सा होता है, पहला रूढ़ होता है, दूसरा यौगिक होता है, तीसरा क्या होता है, योगरूढ़। और योगरूढ़ के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, जितने भी बहुब्री समास के एग्जाम्पल होते हैं, जितने भी बहुब्री समास के एग्जाम्पल होते हैं, सारे के सारे योगरूढ़ के एग्जाम्पल हैं। जो बहुब्री समास क्या होता है, जिसमें तीसरा अर्थ निकले, जैसे इसमें तीसरा अर्थ किसका निकलेगा, लंबोदर का, लंबा है जिसका उदर, उदर क्या होता है, पेट, जिसका पेट बड़ा हो तो वो किसका होता है, गणेश का होता है, तो लंबोदर से तीसरा वर्ड निकल रहा है गणेश। ठीक है स्टूडेंट, गजानन, ठीक है, चतुरानन, ठीक है, दशानन, ठीक है, अपने को इसके क्या निकल रहे हैं, अलग अलग वर्ड निकल रहे हैं, तीसरा वर्ड, ठीक है, पंकज, ठीक है स्टूडेंट, वारिद, ठीक है, तो तीसरा वर्ड निकल रहा है अपने को, जब तीसरा अर्थ निकले वहाँ क्या होगा, योगरूढ़ होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, योग लंबोदर। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, तो रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो सबसे पहले संज्ञा तीन प्रकार की होती है स्टूडेंट, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को कई बार तोड़ा होता है, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में, अपने को तो मेनली तीन संज्ञाओं से मतलब है। ठीक है स्टूडेंट, अब कहते हैं कि बुढ़ापा, अपने को पता है तो ना तो इसमें क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ना जातिवाचक संज्ञा होगा, सबको पता है कि बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है, फिर भी बुढ़ापे की बहुत सारी पहचान है,
बहुत सारी पहचान, जितनी आप कहो। सबसे ज़्यादा अगर किसी को डिफिकल्टी लगती है वो होती है भाववाचक संज्ञा में। और लोगों को सबसे, कई लोगों तो ऐसे होते हैं जो मतलब एक सेकंड में पहचान लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो आपको एक छोटा सा, आपको पता होगा फिर भी अपने क्या कहते हैं रिकॉल कर लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। मतलब ऐसी संज्ञा जिसको पकड़ा ना जा सके, जिसको महसूस किया जा सके, जिसको पकड़ा ना जा सके महसूस किया जा सके, ठीक है। अब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो पता है ना, जैसे आप, मेरा नाम है अमन, ठीक है। अमन अपने एक स्पेसिफिक नाम लेते हैं बहुत विशेष, तो वो क्या होता है व्यक्तिवाचक। अगर बहुत सारी संख्याओं का बोध कराएं, बहुत सारी चीज़ों का बोध कराएं, वो क्या होता है जातिवाचक। लेकिन भाववाचक क्या होता है, अपने जिस चीज़ को महसूस कर सकें उसको पकड़ ना सकें। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्रोध, ठीक है। क्रोध, क्रोध को अपने महसूस कर सकते हैं लेकिन क्रोध को कभी पकड़ नहीं सकते। अगर बात करूँ मोह, मोह को कभी अपने पकड़ नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। छाया, छाया को कभी पकड़ नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं कि भाई छाया है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं सौंदर्य की बात करूं तो सौंदर्य को महसूस कर सकते हैं, वीरता को महसूस कर सकते हैं, धैर्य को महसूस कर सकते हैं, नारीत्व को महसूस कर सकते हैं, गुरुत्व को महसूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में भाववाचक संज्ञा के बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आऊँगा जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। कुछ नोट लिख के लाऊँगा कि भाई ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल भाववाचक संज्ञा के होते हैं, तो ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, और इनको महसूस किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। अब क्वेश्चन इसमें से एक और आता है, कहता है कि धैर्य किस शब्द से बना है, सौंदर्य किस शब्द से बना है, गुरुत्व किस शब्द से बना है। तो धैर्य की बात करूँ तो धैर्य धीर शब्द से बना है, सौंदर्य की बात करूँ तो सौंदर्य सुंदर से बना है। नेक्स्ट ईयर रीट में एग्जाम्पल आया था कि धैर्य में उपसर्ग बताइए क्या है, सॉरी प्रत्यय बताइए तो क्या है। तो ये शब्द आपको आने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो ठीक है। असुर का पर्यायवाची, मैंने लास्ट ईयर में आपको असुर के बारे में थोड़ा एक याद भी करवाया था अपने कुछ जब शब्द कर रहे थे। तो अब असुर का पर्यायवाची नहीं है तो सुरारी, इंद्रारी या तुधान या सब। तो आपको एक शब्द बता दूं स्टूडेंट, अरी होता है दुश्मन। क्या होता है, अरी का मीन होता है दुश्मन, अरी का पर्यायवाची क्या होता है दुश्मन, ठीक है। तो अगर मैं पहले को तोड़ूं तो सुर प्लस अरी बनता है सुर। सुर क्या होता है, देवताओं का पर्यायवाची। तो सुर प्लस अरी जो देवताओं का दुश्मन हो, देवताओं का दुश्मन कौन होते हैं, दानव होते हैं, राक्षस होते हैं। तो सुरारी का मीन क्या हुआ, राक्षस। इंद्रारी जो इंद्र का दुश्मन हो, इंद्र के दुश्मन कौन थे, शुक्राचार्य, वो कौन थे, राक्षसों के गुरु। तो ये भी राक्षस का पर्यायवाची हो गया, ये भी सही है। उसने पूछा नहीं है, यातुधान भी किसका है, देवताओं का, सॉरी असुरों का पर्यायवाची है। तो यासव किसका है, यासव है इंद्र का पर्यायवाची, किसका, इंद्र का पर्यायवाची। तो अपने को असुर का पर्यायवाची नहीं बताना था, वो है यासव, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा विलोम शब्द के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो इट मीन्स ये पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा अशुद्ध है। तो ये चारों बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं। जो पहले वाला एग्जाम्पल है ये तो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है, कह सकते हैं उसने गोद ले लिया इस एग्जाम्पल को, अडॉप्ट कर लिया। स्थावर का क्या होता है, जंगम, बिल्कुल सही। सुधा का क्या होता है, गर्ल। सुधा मिस क्या होता है, अमृत। गर्ल मिस क्या होता है, जहर, ठीक है। वक्र का रिजू, ये भी सही है। स्तुति का क्या होता है, गुणगान। ये तो एक ही मीन है, स्तुति मिस भी किसी की प्रशंसा करना, गुणगान मिस भी किसी की प्रशंसा करना। तो स्तुति का क्या होगा, प्रशंसा करना। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, निंदा करना, चुगली करना, आलोचना करना, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा हो गया जो प्रयुक्त नहीं है। कहता है कि हर काम को देरी से करने वाला, सीधा मैंने आपको आंसर बता दिया, दीर्घ सूत्री। ये भी दो तीन बार पूछा गया, ठीक है, दीर्घ सूत्री। एक स्थान पर टिक करना यह रहने वाला, उसको क्या कहते हैं, यायावार। क्या कहते हैं, यायावार। हर काम को देरी से करने वाला दीर्घ सूत्री, एक स्थान पर टिक करना रहने वाला यायावार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा जान के लिया कि आपको बहुवचन के बारे में क्लियरिटी बन जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इनमें से सभी जितने भी वर्ड हैं वो बहुवचन है, कोई भी एक वचन नहीं है। आंसू भी बहुवचन है, होश भी बहुवचन है, हस्ताक्षर भी बहुवचन है, दर्शन भी बहुवचन है। तो सभी अक्षर क्या हैं, सभी शब्द क्या हैं, सभी शब्द बहुवचन हैं। तो कुछ और भी शब्द हैं जो एक मैंने ट्रिक सी बनाई है। कहता है कि आप जैसे आदरणीय लोग के हस्ताक्षर के दर्शन कर आंसू निकल गए और मेरे प्राण भाग्य हो गए। तो ये एक लाइन सी है, आप भी क्या है, आप एक
बहुवचन शब्द है, आदरणीय भी बहुवचन शब्द है, लोग भी बहुवचन शब्द है, हस्ताक्षर भी बहुवचन शब्द है, दर्शन भी बहुवचन शब्द है, आंसू भी बहुवचन शब्द है, ठीक है। उसके बाद प्राण भी बहुवचन शब्द है, भाग्य भी बहुवचन शब्द है, समाचार भी बहुवचन शब्द है, हालचाल भी सही है, दाम भी सही है, होश भी बाल, ये सभी क्या है, ये सभी बहुवचन शब्द हैं। और 101% अगर इन्हीं में से वर्ड आता है, इससे अलावा अगर कोई भी टफ वर्ड बनता है तो कोई भी वर्ड बनता है आप पहचान लेते हो, इससे अलावा टफ वर्ड कभी नहीं आएगा बहुवचन में। तो स्टूडेंट ये है बहुवचन के एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है। तो मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि अपने हर जितनी भी जब भी अपने मॉक टेस्ट करेंगे तो ये मैं आपको चार युग्म शब्द कराऊंगा, हर बार चार कराऊंगा, जिसमें से तीन सत्य होंगे और एक असत्य होगा। इट मीन्स आपके चार युग्म शब्द हर बार क्लियर होंगे, ठीक है। तो पहला अमित, अमित मिस क्या होता है, बहुत, और अमित मिस होता है शत्रु। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, उसमें अमित शब्द आता है, अमित सोई, तो वहाँ बहुत शब्द आता है, तो बहुत, और अमित का शत्रु, ये भी सही है। अमित अगर छोटी मात्रा हो ई पर तो वहाँ उसका अर्थ होगा बहुत, अगर बड़ी मात्रा हो तो उसका होगा क्या, शत्रु। उसके बाद ये बिल्कुल सही है। अनिष्ट की बात करूँ, यदि टै लगा होगा तो उसका अर्थ होगा बुरा, यदि ठै लगा होगा तो उसका होगा निष्ठा रहित, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनावृत और अनावृत, ठीक है, मैंने आपको मैथ में एक दशमलव भिन्न वाला टॉपिक कराया है, दशमलव वाला, ठीक है, आपको वहाँ मैंने अनावृत के बारे में बताया हुआ था, रिकरिंग व नॉन रिकरिंग, अनावृत और अनावृत। इस अनावृत का अर्थ होता है न दोहराया हुआ, ठीक है, इसका अनावृत का होता है न ढका हुआ, तो उल्ट दिया हुआ है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। इस अनावृत का अर्थ होगा न ढका हुआ और इस अनावृत का होगा दोहरा, न दोहराया हुआ, ठीक है। तो अपने को अलग निकालना था, तो हमारा आंसर क्या होगा, सही है। तो चौथा भी पढ़ लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। अचिर का अर्थ होगा शिगर या नवीन और अजीर का अर्थ होगा आंगन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी में कौन सा कारक है, ठीक है। आज तक अपने यही पढ़ते हैं कि कारक क्या होता है, अगर कर्ता ने की विभक्ति आए तो वहाँ कौन सा होगा, कर्ता, ठीक है, कर्म को आए तो वहाँ कर्म होगा। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, ऐसा अपने अपने को छोटी क्लास में पढ़ाया जाता था, अब कंपटीशन है, अपने को ये चीज़ें याद नहीं रखनी, अपने को कारक डीपली से पढ़ने चाहिए। आप, मुझे उम्मीद है कि आपने कारक डीपली से पढ़ रखे होंगे, तो ठीक है। जहाँ भी देने का भाव आएगा, जहाँ भी देने का भाव आता है वहाँ हमेशा संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, ठीक है। मैंने गरीबों को दान दिया, ठीक है, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, ठीक है। निमित शब्द जब भी आए, ये वाला निमित शब्द जब भी आए वहाँ क्या होगा, निमित का अर्थ होता है देना किसी को, तो भी संप्रदान कारक का एग्जाम्पल होगा। अगर एक एग्जाम्पल और बताऊँ, एक कई लोग अभी तक भी धारणा बना के बैठे हैं कि कर्ता ने, ठीक है, जहाँ ने शब्द आएगा वहाँ हमेशा क्या होगा, कर्ता कारक होगा, ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कारक कौन सा होगा, ठीक है, इसमें कारक होता है कर्ता, ठीक है। कर्ता कारक कैसे होता है, जब भी असमर्थता का भाव होता है ना, जब भी असमर्थता का भाव होता है वहाँ हमेशा कर्ता कारक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो पहला शारीरिक बिल्कुल सही है, ठीक है, अनादृत भी सही है, निर्मोही भी सही है, तो अनुग्रहित गलत है। अनुग्रहित कैसे होगा स्टूडेंट, अनु ये जो गया है यहाँ पर रह नहीं आएगा, ये वाला शब्द आएगा, ठीक है, अनुग्रहित, ठीक है स्टूडेंट। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, धन्यवाद।